तो ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जो एक ट्रेंड है कि कुछ भी बोल जाओ, किसी को भी गाली बक दो, लोग देश के महान महापुरुषों को भी टारगेट कर रहे हैं और धर्म के उन तमाम धार्मिक महापुरुषों को जिनको हम नबी पैगंबर या अलग अलग धर्म में उनको अवतार गुरु जिन जिन नामों से आप जानते हैं, ये कहीं से भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। हमारा ये मानना है कि माननीय अदालत जब इस तरह के लोगों की जमानत याचिका उनके सामने जाए तो ऐसे लोगों से जब तक पूर्ण रूप से आश्वस्त ना हो जाए लिखित कि ये छूटने के बाद फिर शरारत नहीं करेगा, छूटने के बाद फिर उन्माद नहीं फैलाएगा, छूटने के बाद फिर माहौल खराब नहीं करेगा, छूटने के बाद फिर जो है सांप्रदायिक तनाव नहीं बनाएगा, तब तक ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जाए। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुस्लिम न करें, ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक और असामाजिक तत्वों के बीच है, एक अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच है। तो बुराई के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे, मुट्ठी बंद करके हम धर्म में बटकर नहीं करेंगे। संविधान से चलता है, कानून से चलता है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं, संविधान का राज है। और संविधान का तावी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के हिंदू नहीं कहता, हम भारत के सिख, हम भारत के जैन, हम भारत के बौद्ध ये नहीं कहता, हम भारत के लोग, यानी हम सभी भारत के लोग। और संविधान के वो तमाम आर्टिकल जिसमें इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके साथ एक व्यवहार, समान व्यवहार की जो बात होती है, तो आज भारत का मुसलमान भारत सरकार से ये मांग करता है कि आप न्याय के मामले में भी समान मार्ग चुने, सही रास्ता चुने, जिसमें भेदभाव की कहीं से बू नहीं। सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने मामले की संवेदनशीलता को समझा और समय पर उपस्थित हुए। मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूं। आप सभी को ये पता है कि पिछले कई वर्षों से देश के अंदर लगातार जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। देश में प्यार मोहब्बत और अमन चैन और सुकून को खत्म करना चाहते हैं और नफरत की हवा चलाना चाहते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मानना है कि हम उन नफरत फैलाने वालों को कभी भी सफल होने नहीं देंगे। हम देश में प्यार मोहब्बत को आम करेंगे, इसके लिए हम सरकार का सहयोग चाहते हैं। और जब हमें ये खबर कल मिली कि इस तरह की घटना घटी है कि एक सरफिरा व्यक्ति जो अपने आप को कथित तौर पर संत भी कहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि धर्मगुरु को जो है वो प्यार की भाषा बोलनी चाहिए, मानव के संस्कार को निर्माण में लगना चाहिए, लेकिन धर्मगुरु ही अब जो है अशांति और उपद्रव अगर फैलाएंगे तो ये मैं समझता हूँ कि किसी धर्म के लिए भी ये सही बात नहीं है। बहरहाल जब ये खबर पहुंची, वो वीडियो जो वायरल है, आप लोगों ने भी उस वीडियो को सुना होगा, न्यायत ही आपत्तिजनक शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। हम घोर उसकी निंदा करते हैं और सरकार से विनती करते हैं कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को, केवल एक नरसिम्हानंद समस्या का समाधान नहीं है, आए दिन लगातार कहीं न कहीं से इस तरह की आवाजें उठती हैं, उस तमाम आवाजों को लगाम लगाने के लिए सरकार कानूनी कार्रवाई त्वरित करे। एक खुशखबरी इस मामले में ये है के नरसिम्हानंद जब इस तरह का भाषण दे रहा था, उसी समय गश्त पर जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने उस वीडियो को देखा, सो संज्ञान खुद उन्होंने लिया और उन्हीं के बयान पर पहला प्राथमिकी दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ। इसके लिए हम इंस्पेक्टर साहब को बधाई देते हैं और तमाम प्रशासन के, पुलिस के पदाधिकारियों से विनती करते हैं कि आपको कानूनी अधिकार दिया है कि आप कहीं भी अगर देखें कि शांति भंग होने की आशंका है या कोई ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है जिससे भावनाएं आहत होने की संभावना है, तो आप सक्षम हैं, कानून ने आपको यह अधिकार दे रखा कि आप स्वयं कार्रवाई करें। सो दोबारा पुनः दिल की गहराइयों से ऐसे सभी पुलिस पदाधिकारियों को हम बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अभी इस वक्त जब मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के दफ्तर पर आपसे बात कर रहा हूं, अभी दो घंटे पहले ही मैं भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को ज्ञापन सौंपा हूं, ज्ञापन सौंप कर फिर आप लोगों के बीच आया हूं। ज्ञापन में हमने साफ शब्दों में प्रधानमंत्री जी को देश के मुसलमानों की भावनाओं से और तमाम शांति प्रिय बुद्धिजीवी वर्गों की भावनाओं से अवगत कराया।
हमने जो प्रधान गृह मंत्री जी को दिया है वो ये हमारा है ज्ञापन, जिसको हमने बता दिया आपको। इसमें हमने साफ शब्दों में लिखा है कि इस तरह की हरकत से शांति भंग होने और क्या कहते हैं वातावरण बिगड़ने, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंकाएं प्रबल हो जाती है, जो कि पिछला अनुभव है। नुपुर शर्मा से लेकर और यदि नरसिम्हानंद तक, रामगिरी तक, तमाम मामलों में आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, लोग सड़क पर उतर गए, कई तरह के मामले हुए, कई गिरफ्तारियां हो गई, कई लोगों के घर पर बुलडोजर चल गया, कई लोग वीरान हो गए, जेल इलाकों में है, इत्यादि इत्यादि। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों होने दिया जाता है, इसी पर असल बात करनी है कि सरकार यदि चाहे तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने तो इसमें गिरफ्तारी की मांग की, उचित सजा और वो तमाम धाराएं जो इस पर फिट बैठती हैं वो लगाने की अपील की थी। अभी ये खबर मिली है जिसकी पुष्टि मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये खबर मिली है जो तमाम चैनलों पर चलाए जा रहे हैं कि यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। सो फिर मैं बधाई देता हूं डासना पुलिस को, गाजियाबाद पुलिस को और देश के उन तमाम सिक्योरिटी को कवर करने वाले उन तमाम पदाधिकारियों को कि आपने एक अच्छा काम किया है, आप बधाई के योग्य हैं। लेकिन मैं माननीय अदालत से विनती करता हूं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारा ये मानना है कि माननीय अदालत जब इस तरह के लोगों की जमानत याचिका उनके सामने जाए तो ऐसे लोगों से जब तक पूर्ण रूप से आश्वस्त न हो जाए लिखित के, ये छूटने के बाद फिर शरारत नहीं करेगा, छूटने के बाद फिर उन्माद नहीं फैलाएगा, छूटने के बाद फिर माहौल खराब नहीं करेगा, छूटने के बाद फिर जो है सांप्रदायिक तनाव नहीं बनाएगा, तब तक ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जाए। क्योंकि अगर आसानी से जमानत भी मिलती है, एक तो मुश्किल से गिरफ्तार होते हैं और आसानी से अगर जमानत मिल जाती है तो एक मैसेज जाता है पूरे भारत में इस तरह के लोगों के बीच कि चलो ये तो आसान काम है, लोग सस्ती लोकप्रियता भी मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के ऊपर कभी कोई बात करने लायक नहीं हमें, और हम क्या हमारे जैसे कोई भी लोग उस व्यक्ति पर बात नहीं कर सकते, न उसका वो कद है, न उसकी वो योग्यता है, न वो उस योग्य है, लेकिन फिर भी हम मजबूर इसलिए हैं कि उसने ऐसी हरकत कर दी। तो ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जो एक ट्रेंड है कि कुछ भी बोल जाओ, किसी को भी गाली बक दो, लोग देश के महान महापुरुषों को भी टारगेट कर रहे हैं और धर्म के उन तमाम धार्मिक महापुरुषों को जिनको हम नबी, पैगंबर या अलग अलग धर्म में उनको अवतार, गुरु, जिन जिन नामों से आप जानते हैं, ये कहीं से भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। सभ्य समाज का ये मानना, बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो प्यार, प्रेम, शांति, अमन, भाईचारा ये जरूरी है इस देश में, और इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति इतने बड़े सोशल स्ट्रक्चर को, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसको इस तरह से चैलेंज करता सड़क पर खड़ा होकर, और वो पूरे प्यार के ताना बाना को अगर ध्वस्त करना चाहता है और उसको अगर बेलगाम छोड़ दिया जाएगा या उसको इस तरह से फौरन जमानत दे दी जाएगी, तो ये दूसरों के लिए अनुसरण और अनुकरण का मार्ग बन जाएगा, यानी वो आइडियल बन जाएगा। तो हमारे आइडियल मोहम्मद साहब हैं, हमारे देश में आइडियल करोड़ों के राम जी हैं, करोड़ों के आइडियल कृष्ण जी हैं, करोड़ों के आइडियल तथागत बुद्ध हैं, करोड़ों के आइडियल जो है गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो ये सारे महान पुरुष जो आइडियल है करोड़ों लोगों के, ये तो आइडियल हो सकते हैं, लेकिन किसी का आइडियल अगर यति नरसिम्हानंद हो जाए तो ये देश का, समाज का दुर्भाग्य होगा। इसलिए इस प्रचलन को रोकना बहुत ही जरूरी है। सो कानून, चूंकि भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है, यहां किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं, संविधान का राज है, और संविधान कहता वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के हिंदू नहीं कहता, हम भारत के सिख, हम भारत के जैन, हम भारत के बौद्ध ये नहीं कहता, हम भारत के लोग, यानी हम सभी भारत के लोग, और संविधान के वो तमाम आर्टिकल जिसमें इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके साथ एक व्यवहार, समान व्यवहार की जो बात होती है, तो आज भारत का मुसलमान भारत सरकार से ये मांग करता है कि आप न्याय के मामले में भी
समान मार्ग चुने, सही रास्ता चुने, जिसमें भेदभाव की कहीं से बू नहीं आनी चाहिए। भेदभाव पूर्ण अगर कार्रवाई होती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए सरकार और सरकार के अधीनस्थ काम करने वाली संस्थाएं भेदभाव रहित काम करें, ताकि समाज के सभी वर्गों को ये लगे कि भारत में संविधान का राज है और संविधान अपना काम कर रहा। सो मुझे पूर्ण विश्वास है भारत सरकार हमारी इन बातों को का संज्ञान लेगी और आने वाले दिनों में इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए कठोर कानून भी बनाएगी। अंत में एक बात मैं बता दूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सरकार से ये विनती करती है कि परमानेंट एक ऐसा कानून अलग से बनाया जाए, जिसको इश निंदा कहते हैं आप, किसी के भी आराध के खिलाफ कोई अगर बयान देता है उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मानना है, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मानना है। सो ये विनती भी हम रिटेन में सरकार से अभी दोबारा करेंगे कि जो सदन आने वाले दिनों में चलना है उस सदन में एक कानून बने और कानून सख्त बने, ताकि सभी लोगों पर समान रूप से वो लागू हो, देश में प्यार का माहौल बने, देश में भाईचारा का माहौल बने, देश में सभी लोग मिलजुल कर भारत के विकास उन्नति और तरक्की के लिए हम काम करें। हम इन सब मामलों में ना उलझें, हम सड़क पर खामखा ना उतरें, हम खामखा जो है धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट में अपनी ऊर्जा ना लगाएं। इसके लिए जरूरी है कि कानून तेजी से अपना काम करे। एक बार पुनः उन तमाम पदाधिकारियों को बधाई जिन्होंने समय रहते उचित कार्रवाई की है, यति नरसिम्हानंद पर के खिलाफ FIR भी करवाया है और गिरफ्तारी भी की है। मैं उनको फिर से दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा बधाई देती है और पूरे देश के नौजवानों से, विशेषकर मुस्लिम नौजवानों से विनती हम करते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। एक बात, दूसरी बात, सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुस्लिम न करें। ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक और असामाजिक तत्वों के बीच है, एक अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच है। तो बुराई के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे, मुट्ठी बंद करके हम धर्म में बटकर नहीं करेंगे। सो करोड़ों हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं, करोड़ों हिंदू भाई हैं जो इस तरह के बयान की निंदा करते हैं। सो हम फिर मुस्लिम नौजवानों से अपील करते हैं कि इसको हिंदू और मुसलमान के नजरिए से कतई नहीं देखा जाए, ना सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी भी जगह पर कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्द न लिखे जिससे किसी की भावनाएं सीधे सीधे आहत हो और ये मामला हिंदू बनाम मुसलमान बन जाए। देश में एक ताकत है जो चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी जाए, हम उस दीवार को गिराना चाहते हैं। सो तमाम मुस्लिम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी मैं विनती करता हूं, आप भी उन नफरती चिंतनों के खिलाफ सामने आए, नफरत की उस दीवार को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं और होश के साथ काम करें। कहीं भी जज्बात में आकर कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना, ये मसाले का हल कतई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत आभार।